अपनी फर्टिलिटी सीरीज में हम इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। आज हम ये जानेंगे कि IUI हस्बैंड और IUI डोनर, इन दोनों में क्या फर्क होता है। जब हम IUI का फैसला करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हस्बैंड का सीमन काउंट कैसा है। नॉर्मल सीमन काउंट में 15 मिलियन पर ML स्पर्मेटोजोआ होने चाहिए, कुछ चाल होनी चाहिए उनकी, उसको बोलते हैं मोटिलिटी, एटलीस्ट 50% मोटिलिटी होनी चाहिए और 4% अच्छी मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया थोड़े से कम हो जाते हैं तो हम IUI का सहारा लेके लेडी को प्रेगनेंसी दे सकते हैं, अगर उसके बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक हैं। जैसे कि अगर उसका काउंट 10 मिलियन तक आ जाता है, मोटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, मॉर्फोलॉजी जो है अच्छी वाली थोड़ी और कम हो जाती है, तो हम IUI से प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। लेकिन अगर सीमन काउंट 10 मिलियन से नीचे है या बहुत नीचे है, तो ऐसे में IUI से प्रेगनेंसी होनी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि बहुत कम काउंट है तो क्या हम उनको IUI एडवाइस करें या IVF एडवाइस करें। IVF एडवाइस किया जा सकता है, लेकिन IVF एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। उसमें ICSI के जरिए हम स्पर्म को एग के साथ मिला के प्रेगनेंसी दे सकते हैं, लेकिन IVF इतना एक्सपेंसिव देखते हुए कई पेशेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन होता है, उसको हम बोलते हैं IUID या IUI डोनर या डोनर इंसेमिनेशन। डोनर सीमन को लेके हस्बैंड के वाइफ में डालकर उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। ये छोटा प्रोसीजर होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और इसमें हम इजीली छोटा सा काम करके प्रेगनेंसी दे सकते हैं पेशेंट को। तो ये IUID क्या होता है, डोनर इंसेमिनेशन क्या होता है, ये नाम सुनते ही कई बार पेशेंट्स जो हैं इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो समझते हैं तो वो उस धीरे धीरे एक्सेप्टेंस के लेवल पर भी आ जाते हैं। ये सीमन सैंपल कहाँ से लिया जाता है, ये सीमन सैंपल किसी फ्रेंड का, फैमिली मेंबर का होना अलाउड नहीं है, ये हमें एक रजिस्टर्ड सीमन बैंक से ही लेना पड़ता है। तो वो किन पेशेंट्स का सीमन लेते हैं, पेशेंट को, पर्सन को लेने से पहले, सीमन लेने से पहले वो कुछ चीज़ों को बड़े अच्छे से जांचते हैं। अगर वो सब चीज़ें ठीक होती हैं तो ही उसको डिसाइड करा जाता है सीमन स्टोर करने के लिए। तो वो पर्सन में ये देखा जाता है कि उसमें प्रूवन फर्टिलिटी है, उसके अपने बच्चे हैं, दूसरा उसके घर में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन हुई हो, या उनकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है जो कि बीमारी एक से दूसरे को पास ऑन हो। तो सबसे पहले ये देखा जाता है, फिर उसे कुछ ब्लड टेस्ट करे जाते हैं, ब्लड में होता है ब्लड ग्रुप डिसाइड देखा जाता है, ब्लड शुगर देखा जाता है और कुछ इन्फेक्शंस को टेस्ट करते हैं, उन इन्फेक्शंस को जो कि बच्चे में पास ऑन हो सकते हैं। और उसके बाद उस पर्सन की हाइट रिकॉर्ड करी जाती है, उसके बालों का कलर, उसके चेहरे का कलर, उसकी आंखों का कलर, ये सब रिकॉर्ड करते हैं। और जब इनको हम लेके सीमन को फ्रीज करके स्टोर करके रख लेते हैं, और जब हमें किसी पेशेंट के लिए डोनर सीमन की ज़रूरत होती है तो हम फ्रोजन सीमन निकालते हैं। सबसे पहले ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं जो कि पेशेंट के हस्बैंड से मैच करें, उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो हस्बैंड के साथ कितनी मैच करती है, और जो मैक्सिमम मैच करती है वो सैंपल लेके हम वाइफ को उसी तरह जैसे कि हम IUI करते हैं उसका अंडा प्रिपेयर कर लेते हैं, और जिस दिन उसका अंडा रप्चर होता है उस दिन हम डोनर सीमन बैंक में से लेके उसको थॉ करते हैं, यानी कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं, चेक करते हैं कि सारे पैरामीटर्स ठीक हैं कि नहीं, मोटिलिटी कैसी है, काउंट कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, और अगर ठीक होता है तो उसको हम वाइफ के यूट्रस में इंसेमिनेट करते हैं। तो ये था IUID। इसके संबंध में कोई भी प्रश्न हो आप ज़रूर पूछें, और नेक्स्ट में हम उसके आपको जवाब देंगे, और फिर मिलते रहेंगे फर्टिलिटी सीरीज में। थैंक यू।